कभी संजय सलमान की हीरोइन थी ये एक्ट्रेस, अब दिखने लगी ऐसी। 1 मार्च को 45 साल की हो चुकी नम्रता शिरोडकर की हाल ही में कुछ न्यू फोटोज सामने आई हैं। इन फोटोज में वो बाल लुक में एकदम डिफरेंट नजर आ रही है। नम्रता ने 1998 में सलमान खान के साथ फिल्म जब प्यार किसी से होता है से डेब्यू किया था। हालांकि उन्हें फिर 1999 में आई वास्तव से मिला। फिल्म में उन्होंने संजय दत्त की लिटिल लव का रोल प्ले किया था। बाद में नम्रता ने बॉलीवुड में कई फिल्में की, लेकिन वो यहाँ अपने पैर नहीं जमा सकी, इसलिए नम्रता ने कटवाई बाल। नम्रता की इन नई फोटोज ने सबको चौंका दिया है। कई फैंस तो उन्हें कैंसर है इस बात के कयास लगा रहे हैं, लेकिन सच को ये है कि उन्होंने ये कदम धार्मिक आस्था के चलते उठाया है। दरअसल कुछ दिनों पहले नम्रता फैमिली के साथ तिरुपति आंध्र प्रदेश गई थी, जहां उन्होंने अपने बाल दान किए, जिसके बाद से वो इस लुक में नजर आ रही हैं। मिस इंडिया का ताज जीत चुकी नम्रता 3 साल छोटे महेश बाबू से की शादी। बॉलीवुड में सफलता नहीं मिलने के बाद नम्रता ने साउथ फिल्मों का रुख किया। साल 2000 में तेलुगु फिल्म वामसी की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू से हुई और कुछ साल की डेटिंग के बाद दोनों ने फरवरी 2005 में शादी कर ली। महेश बाबू नम्रता से उम्र में करीब 3 साल छोटे हैं। सलमान खान के साथ की पहली फिल्म 1998 में नम्रता ने सलमान खान के साथ फिल्म जब प्यार किसी से होता है से डेब्यू किया था। हालांकि इसमें उनका रोल छोटा था और लीड रोल में एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना थी। इसके पहले नम्रता ने फिल्म पूरब की लैला, पश्चिम की छैला साइन की थी, लेकिन ये फिल्म आज तक रिलीज नहीं हो सकी। इनसे जुड़ चुका नम्रता का नाम। वास्तव की शूटिंग के दौरान महेश मांजरेकर और नम्रता शिरोडकर के अफेयर की खबरें भी आई थी। कहते हैं महेश मांजरेकर और उनकी ऐसी पटती थी कि वो हर फिल्म में नम्रता को जरूर रखते थे। बता दें, नम्रता की दादी मीनाक्षी शिरोडकर मराठी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस थी। नम्रता की बहन शिल्पा शिरोडकर ने भी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। ऐसी है नम्रता की फैमिली। नम्रता ने 10 फरवरी 2005 को तेलुगु फिल्मों के एक्टर महेश बाबू से शादी की। अगस्त 2006 में उनके बेटे गौतम का जन्म हुआ। नम्रता की बेटी सितारा का जन्म 20 जुलाई 2012 को हुआ। नम्रता फिलहाल पति महेश बाबू के साथ हैदराबाद में रहती हैं।